यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल सरकार ने जिस आईएएस अधिकारी को चीफ सेक्रेटरी बनाया उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि विनीत चौधरी को केंद्र सरकार ने सचिव भी नहीं बनाया था और राज्य सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव बना दिया। जिस अधिकारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नापसंद किया उसी अधिकारी को हिमाचल में बीजेपी सरकार ने पसंद किया है। केंद्र सरकार ने जिस अधिकारी को संदिग्ध रिकॉर्ड के चलते सचिव नहीं बनाया उसी अधिकारी को हिमाचल सरकार ने नौकरशाही में सर्वोच्च पद पर बैठाकर मुख्य सचिव बना दिया। दरअसल 30 दिसंबर को हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर की ओर से आदेश जारी किया गया, जिसमें 1982 बैच के हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी विनीत चौधरी को राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इस नियुक्ति को लेकर बवाल हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस अधिकारी को केंद्र सरकार ने उसके रिकॉर्ड के आधार पर नियुक्ति नहीं दी उस अधिकारी को हिमाचल सरकार द्वारा बड़े पद पर बैठाना भ्रष्टाचार को लेकर उनकी नीति को दर्शाता है। सबसे बड़ा अधिकारी चीफ सेक्रेटरी का पद देना, क्या ये स्पष्ट संदेश नहीं देता कि भ्रष्टाचार को लेकर ना कभी भाजपा गंभीर थी, ना है और ना कभी होगी। जून 2015 से नवंबर 2017 के बीच कई बार विनीत चौधरी की अर्जी पर विचार हुआ, लेकिन कभी भी उनके नाम की सिफारिश नहीं हुई। ऐसा हर बार प्रक्रिया के तहत हुआ, एक्सपर्ट पैनल की सलाह पर हुआ। विनीत चौधरी की छवि का भी इसमें रोल रहा और उनके विजिलेंस स्टेटस को भी आधार माना गया, लेकिन उसी अधिकारी को बीजेपी की ही राज्य सरकार ने नौकरशाही के ना सिर्फ सबसे बड़े पद पर बैठा दिया बल्कि अब उसके बचाव में सफाई भी दे रही है। प्रदेश में एज चीफ सेक्रेटरी ही वॉज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। केंद्र में क्या हुआ क्या कहा कह रहे हैं आप ये हमको नहीं मालूम, लेकिन उसके बावजूद कि अगर हिमाचल कैडर के इसमें जो मौजूदा परिस्थिति में वो सीनियर मोस्ट अधिकारी थे और इस प्रकार का कोई आरोप उनके ऊपर था नहीं, कोई बात थी नहीं। इतना ही नहीं, विनीत चौधरी ने इस बीच में प्रशासनिक अधिकारियों की अदालत के अलावा कैट में भी अपील की, लेकिन केंद्र सरकार में उन्हें सचिव नहीं बनाया गया। लेकिन हिमाचल सरकार की उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने के बाद सवाल उठने लगे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी ने 5 बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार जिस अधिकारी के नाम को केंद्र सरकार में सचिव पद के लिए मंजूरी नहीं दी उसी अधिकारी के नाम को चीफ सेक्रेटरी के लिए हिमाचल प्रदेश में मंजूरी देना कई सवाल खड़े करता है। वहीं जिस अधिकारी पर कई बार आरोप लगे हैं और वो कई आरोपों का सामना कर चुका हो वैसे अधिकारी को नौकरशाही का सर्वोच्च पद देना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर भी नीतियों पर कई सवाल खड़े करता है।